हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी जीएम और मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने बोनसाई चैनल में। मुझे उम्मीद है कि आपके प्लांट्स, आपके बोनसाई और आप खुद बहुत अच्छा चल रहे होंगे और इससे बहुत ज़्यादा गर्मी में भी आपने अपने पौधों का बहुत ही ख्याल रखा होगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। दोस्तों, मैंने कुछ अरसा पहले, तकरीबन एक डेढ़ माह पहले, एक वीडियो बनाई थी कि हम अपनी अडेनियम सीडलिंग को किस तरह रिपोर्ट करें अगर हम वो हमारे छोटे किसी प्लास्टिक कप्स में हैं या छोटे छोटे जो पॉट्स होते हैं हमारे पास जिनके अंदर हम सीडलिंग को ग्रो करते हैं, उनसे हम थोड़े बड़े पॉट्स के अंदर, जैसे कि ये है, किस तरह लगाएं। अब मैं आपसे आज एक बहुत ही छोटी सी सीडलिंग को लेके इंटरेस्टिंग बात शेयर करने लगा हूँ। आपने ये वीडियो कम्प्लीटली एंड तक देखनी है और इस वीडियो को लाइक और करें, कमेंट करें, कमेंट में बताएं अगर आपके पास भी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सीडलिंग्स हैं या आप अडेनियम के शौकीन हैं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई जा सकें। दोस्तों, ये जो अडेनियम की सीडलिंग है, इसे मैंने तकरीबन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक डेढ़ माह पहले मैंने रिपोर्ट किया था इस थोड़े बड़े पॉट में, और इसके ऊपर तब तकरीबन 2-3 फूल बने हुए थे, इसके ऊपर फ्लावर्स आ रहे थे। अब एक बड़ी मज़े की बात ये है कि इसके ऊपर जो 2-3 फ्लावर्स थे, वो तीनों के तीनों सीड पॉट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, और ये एक कह लें कि एक अपनी मिसाल आप है। मैंने तो इस तरह नहीं देखा कभी कि इतनी छोटी सी अडेनियम सीडलिंग पे इतने प्यारे सीड पॉट्स बन जाएँ। ये एक बड़ी अनयूजुअल और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इसके ऊपर एक कहने की एक बात हुई है, और मैंने बहुत से लोगों के साथ ये बताया भी है, तो वो भी यही कहते हैं कि जब हमारे, जब तक प्लांट्स तकरीबन 1.5-2 साल के ना हो जाएं या कम से कम 1 साल के ना हो जाएं, वो सीड पॉट्स नहीं बना रहे होते। इसकी एज आपके सामने है, ज़्यादा नहीं है, कुछ ही मंथ्स का होगा। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि मैंने इसे कब ग्रो किया था। खैर, काफ़ी ज़्यादा सीडलिंग्स थी तो ये भी उनके साथ ही है ऑब्वियसली, लेकिन सबसे मज़े की बात है कि देखें, मैंने इसके ऊपर कोई हैंड पोलिनेशन नहीं की, मैंने कोई ब्रश के साथ इसके ऊपर पोलिनेट नहीं इसे किया, मैंने इसे सिर्फ़ और सिर्फ छत पे रखा था, और उस छत पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बटरफ्लाइज़ भी आती थी, काफ़ी ज़्यादा तितलियाँ आती थी, काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे इंसेक्ट्स आते थे, तो उन इंसेक्ट्स की वजह से आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर खुद ब खुद नेचुरली एक तो ये पोलिनेट हुआ है, और नेचुरल पोलिनेशन के बाद इसके ऊपर कितने प्यारे 3 सीड पॉट्स बन गए हैं, 3 पेयर्स यानी कि बन गए हैं। देखें, एक पेयर तो ये है इस तरफ, ठीक है, दूसरा पेयर ये थोड़ा सा बड़ा आपके सामने नज़र आ रहा है, और ये पीछे थर्ड पेयर। तो ये कितने प्यारे, देखें, इसके ऊपर सीड पॉट्स बन गए हैं, और इसकी अपनी भी ग्रेस बहुत ज़्यादा है, ये छोटी सी सीडलिंग है। अब ये सीड पॉट्स में से कितने सीड्स बनेंगे, सीड कितने बड़े होंगे, और उनसे आगे वाले बनने वाले प्लांट्स कैसे होंगे, ये तो सब एक मिस्ट्री है, और एक ये सब कह लें कि एक तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक ये होगा हमारे लिए एक्सपीरियंस, और मैं आपके साथ टाइम टू टाइम इसे लाजमी शेयर करूँगा, क्योंकि ये अपनी मिसाल एक आप है। इतने छोटे प्लांट पे इतने ज़्यादा सीड पॉट्स बन जाना, ये बहुत ही ज़्यादा यूजुअली होता नहीं है, तो इसमें से जैसे भी सीड पॉट बनेंगे, वो बने सीड्स या ना बने, ये ग्रो हों या ना ग्रो हों, लेकिन ये जो बन चुके हैं ये बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग है, और बहुत ज़्यादा खुशी की बात है मेरे लिए, और मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करें, और आप भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा अगर आपके पास कोई ऐसी सीडलिंग्स हैं या आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ है पहले इतनी छोटी सी सीडलिंग पे सीड पॉट्स बनने का। तो खैर, आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह आपके लिए कोई अच्छी वीडियो बनाऊंगा मैं, और अडेनियम पे मैंने, मेरी पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं, मैं और भी बना रहा हूँ ताकि आपको कंप्लीट गाइड कर दिया जाए अडेनियम पे, क्योंकि अडेनियम बहुत से लोगों का पसंदीदा प्लांट होता है, लोग इसे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और वाकई में ये बहुत खूबसूरत प्लांट है, इसकी जो ग्रेस है वो अनडिस्क्राइबेबल है, वो बयान नहीं की जा सकती, ये आपके घर में पड़ा हुआ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती देता है, और इसके ऊपर देखें जो 3 फ्लावर्स थे वो तीनों के तीनों सीड पॉट में कन्वर्ट हो चुके हैं। और आज के लिए इतना ही जी, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड।